नमस्कार, मगही आवाज में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार आंदोलन की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास यहां पर एकजुटता सभा लगाई गई है। कॉरपोरेट पक्षीय तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में एकजुटता सभा लगाई गई है। आयोजक इसके जो है वो सिटीजन्स फोरम पटना है और ये लोग जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है, यहाँ आंदोलन को लेकर उनसे बात करें। और लगातार वो डटी हुई है दिल्ली में, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, जहाँ भी हो, कड़कती ठंड में वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है, अपने घर परिवार को छोड़ करके। मैं आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? किसान आंदोलन के समर्थन में यह एकजुटता सभा है, यह सिटीजन्स फोरम पटना नागरिकों का एक मंच है, जनतांत्रिक मंच है, उसकी तरफ से यह आयोजित किया गया। पूरा देश देख रहा है कि पिछले करीब 2 महीने से 56 दिन होने को आए, दिल्ली की सरहद पर पूरे देश के किसान जमे हुए, किसानों का आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन मुख्य रूप से उनकी जो 3 मांगे हैं, एक तो सरकार ने पिछले साल जिस ढंग से संसद में आनन फानन में कृषि संबंधी जो 3 कानून लागू किए, असल में वो तीनों कानून किसानों के मौत के दस्तावेज हैं। वो पूरे किसानी को, खेती को, कृषि को चौपट करने वाले कानून और पूरे कृषि को बड़े पूंजीपतियों, साम्राज्यवादियों के हाथों, कॉरपोरेट घरानों के हाथ सौंपने वाले वो कानून है। और इसलिए देश के किसानों ने जो विरोध शुरू किया है और उनके समर्थन में पूरे देश में सिर्फ किसान संगठन नहीं, दूसरे छात्र संगठन हो, मजदूर संगठन हो, नौजवान संगठन हो, महिला संगठन हो, सरकार का कहना है पक्ष में आ रहे हैं और यह किसान आंदोलन आज एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। सरकार का कहना है कि वो कृषि कानून जो है किसान के पक्ष में है और उसके फायदे के लिए। सरकार ठीक आप कह रहे हैं, सरकार तो दमन भी करती है, लाठी भी चलाती है, तो जो लोग लाठी खाते हैं उनके पक्ष में ही चलाती है। उसका लगातार पिछले 6-7 सालों से नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई, वो सिर्फ आते आते लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस उन्होंने किया था, एक्ट बनाने का प्रयास किया, तो उनका लगातार ये जो मजदूर के पक्ष में जो श्रम कानून थे, 44 श्रम कानून थे, उसको ख़त्म करके उसको 4 श्रम कोड में और वो भी पूंजीपतियों के पक्ष में, तो वो मजदूर वर्ग हो उस पर हमला, उनके श्रम कानूनों को जो मजदूर पक्षी श्रम कानून है उनको पूंजीपतियों के पक्ष में करना, किसानों और कृषि संबंधी 3 कानूनों को एक करके पूरे कृषि को कॉरपोरेट के हाथों सौंप देना, विश्वविद्यालयों में छात्रों नौजवानों पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं। आपने सुना होगा कि पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी जिस ऊंचाई पर है वो आज कभी भी नहीं रहा जो नरेंद्र मोदी के शासन में हुआ। और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला, महिलाओं पर हमला, आप जानते हैं कि महिलाओं का बलात्कार होता है और जो भाजपा समर्थक बजरंग दल के जो समर्थक हैं या सरकार के जो समर्थक हैं वो लोग उसके पक्ष में, जो बलात्कारी है उसके पक्ष में जुलूस निकालते हैं। इसलिए यह सरकार जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है और उन्होंने जो 3 कृषि कानूनों को समाप्त करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए जो आंदोलन किया है वो एक न्यायपूर्ण आंदोलन है। और हम पटना के नागरिक जो बुद्ध स्मृति पार्क में यह छोटा सा जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी एकजुटता में हम भी मानते हैं कि उन 3 कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रिपील किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ किसानों ने जो समर्थन मूल्य
अनाजों का, कृषि उत्पादों का सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है, और किसान तो वही कह रहे हैं कि उन समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी कीजिए। आप कानून बना देते हैं, आप घोषणा कर देते हैं और उसके बाद माने अनाज खरीदते नहीं। बिहार का डाटा है, मात्र 6% किसानों का अनाज सरकारी एजेंसी द्वारा, पैक्स हो, दूसरे एजेंसी हो, उनके द्वारा खरीद होती है। तो किसानों की यह भी मांग है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा घोषित है उस पर अनाजों की खरीद कीजिए। वो पराली जलाने पर ठीक है, उसका वैकल्पिक उपाय करना चाहिए, लेकिन उस पर आप लाखों रुपया माने किसानों को फाइन करेंगे तो उसके संबंध में जो पुआल वगैरह जलाने से जो वातावरण जो प्रदूषित होता है तो उसका अल्टरनेटिव उपाय होना चाहिए। उस पर किसानों पर आप माने हजारों लाखों का फाइन करेंगे तो उसके खिलाफ भी उन्होंने किया है, वो भी उनका जस्ट डिमांड है। सबसे है कि आज जो केंद्र की जो बहुराई निरंकुश और स्वेच्छाचारी जो सत्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, उनको किसानों ने चुनौती दी है, उन्होंने फांसीवाद को चुनौती दी है, तानाशाही को चुनौती दी है, और उनकी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, कृषि को, खेती को, किसानी को बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। और इसलिए हम सृजन फोरम के लोग उनके समर्थन में हैं और यह एकजुटता सभा कर रहे हैं। धन्यवाद।